मित्रों सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष निकेतन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। मित्रों नमस्कार, आज हम सेहत संबंधी चर्चा करेंगे। कम नमक सेहत के लिए अच्छा होता है। हमारे शरीर के लिए नमक एक आवश्यक तत्व है जो रक्त शोधक की तरह काम करता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। नमक का सेवन नियंत्रित मात्रा में किया जाना चाहिए। हमारे शरीर के लिए नमक की मात्रा निर्धारित है। अगर इसकी मात्रा उससे कम या ज्यादा हुई तो संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर में रोग अपना घर कर जाते हैं। नमक के अधिक प्रयोग से हम कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अपने भोजन में अधिक नमक खाने वाले लोग थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि उनकी यह आदत उन्हें गुर्दे की पथरी और हड्डियों में कमजोरी जैसी खतरनाक बीमारी दे सकती है। नए शोधों के अनुसार सोडियम और कैल्शियम में एक संबंध पाया जाता है। जब सोडियम की मात्रा शरीर में अधिक हो जाती है तो शरीर मूत्र के जरिए कैल्शियम को बाहर निकाल देता है, लेकिन सोडियम के साथ साथ कैल्शियम शरीर से बाहर निकल जाने के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं। हम अधिक सोडियम खा रहे हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। WHO के अनुसार एक दिन में केवल 5 ग्राम नमक खाना चाहिए। नमक का सेवन नियंत्रित मात्रा में किया जाए तो अच्छा रहता है। भारतीयों में अधिक नमक खाने की आदत है। वे निर्धारित मात्रा से 2 गुना ज्यादा नमक सेवन करते हैं। आहार में नमक ज्यादा लेने से रक्तचाप पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इस वजह से कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां हो जाती हैं। आहार में नमक को सीमित करने से हृदय रोग में 25% तक की कमी आ जाती है। सोडियम से भरपूर आहार और नमक की अधिक खपत गैर संक्रमणीय बीमारियां होने का सबसे बड़ा कारण है। अधिक नमक से गुर्दे को क्षति पहुंचती है, रक्तचाप बढ़ता है। रक्तचाप बढ़ने की वजह से धमनियां कठोर हो जाती हैं और शरीर में रक्त और ऑक्सीजन के प्रवाह में कमी आती है, जिस कारण त्वचा सूखने लगती है और तेजी से झुर्रियां पड़ जाती हैं और व्यक्ति की उम्र अधिक लगने लगती है। नमक में सोडियम और क्लोराइड होते हैं। नमक में मौजूद सोडियम आपके दिल के लिए खराब है, जबकि जीवन के लिए नमक जरूरी है। रेस्टोरेंट में भोजन करते समय नमक के बारे में अवश्य पूछें। नमक कम ही डलवाएं तो अच्छा है। प्रोसेस्ड और फ्रोजन फूड या डिब्बाबंद फूड में नमक अधिक होता है और मीठे पदार्थों में भी थोड़ा सा नमक डला हुआ होता है। अधिक मीठा खाने के कारण भी हम अधिक नमक खाते हैं। कम नमक डालकर पकाने के लिए खाने में नींबू, लहसुन, अमचूर आदि बढ़ा सकते हैं। वैसे भी अचार, पापड़, चटनी में अधिक नमक होता है, सॉस में भी अधिक नमक होता है। प्रतिदिन के आहार में धीरे धीरे नमक कम करना चाहिए। पके हुए खाने में अलग से नमक कभी नहीं डालना चाहिए। सोडियम से मुक्त या लो सोडियम वाला डिब्बा बंद फूड खाना चाहिए। इसकी जानकारी डिब्बे पर दी रहती है। 3 महीने तक कम नमक खाएंगे तो कम नमक वाली डाइट खाने की आदत पड़ जाएगी, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है। यदि आपने ऐसा किया तो आपको अपनी सेहत में अच्छा अंतर महसूस होने लगेगा। नई चर्चा नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।